लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना लॉकडाउन ने अखबार विक्रेताओं के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। इस संकट के बीच आज मदद का हाथ बढ़ाते हुए बीजेपी युवा नेता सुनील सुतार ने वाशी के तमाम न्यूज़पेपर वेंडर्स को खाद्यान्न किट का वितरण किया। इस अवसर पर समाज सेविका बिंदिया सुतार एवं युवा समाज सेवक अरुण सुतार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी युवा नेता सुनील सुतार ने कहा कि अखबार विक्रेता आज मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें मदद करने की कोशिश की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां जहां लोग परेशान हैं वहां वहां ट्रस्ट के जरिए हम मदद का उपक्रम चला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन की आर्थिक मार झेल रहे श्रमजीवी अखबार विक्रेताओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए आज बीजेपी युवा नेता सुनील सुतार ने खाद्यान्न किट का वितरण किया। वाशी सेक्टर 17 के जनसंपर्क कार्यालय में सुनील सुतार ने स्वर्गीय कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से तमाम अखबार विक्रेताओं को फ्री में राशन किट प्रदान किया। इस अवसर पर समाज सेविका विंदिया सुतार, युवा समाज सेवी अरुण सुतार, संदीप अग्रवाल और न्यूज़पेपर विक्रेता प्रतिनिधि अरुण शेगावकर खास तौर पर मौजूद थे। बीजेपी युवा नेता सुनील सुतार ने कहा कि अखबार विक्रेता भी समाज के एक प्रमुख घटक हैं और आर्थिक तंगी के मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें छोटी सी मदद देने की कोशिश की गई। युवा नेता ने कहा कि जहां जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां वहां ट्रस्ट के जरिए हम मदद पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। देखिए, मकसद बहुत साफ है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, बरोबर है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ये कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को झिंझोड़ दिया है। आज हिंदुस्तान की परिस्थिति देखते हैं, महाराष्ट्र की, नई मुंबई की, आज आप देख रहे हैं बहुत सारे व्यापार काम धंधे बंद है, इसके वजह से रोजगार निर्मिति होना बंद हुई है। अच्छा, लॉकडाउन होना भी एक हम लोग संक्रमण से बचाव के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई उनको ही मज़ा नहीं आता है। बट इस कारण क्या हो रहा है कि लॉकडाउन अपन कुछ संक्रमण से बचाव के लिए कर रहे हैं, बट इसके वजह से क्या हो रहा है, जो मध्यम वर्गीय लोग जो घटक है उनको उनकी उपजीविका बहुत मुश्किल हो रही है। इसके लिए छोटा सा प्रयास है श्री स्वर्गीय कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, ये छोटा सा प्रयास है कि हम सब तरफ पहुँचे और सबकी ज़रूरतें पूरी कैसे करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है। मतलब मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, रेनकोट डिस्ट्रीब्यूशन हो, छतरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ और आगे भी करने की मेरी संकल्पना और मेरी धारणा है। कोई भी भूखा नहीं सोए, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होए, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए ईश्वर हमको और ताकत दे। इस अवसर पर समाज सेविका बिंदिया सुतार एवं युवा समाज सेवी अरुण सुतार ने भी स्वर्गीय कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जा रहे विविध सामाजिक उपक्रमों की जानकारी देते हुए ऐसी मदद को लोक सेवा बताया और आगे भी इसे जारी रखने का भरोसा दिलाया। दिस इज फ्रॉम कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट। वी आर हियर टू डिस्ट्रीब्यूट ग्रेन्स टू द न्यूज़ वेंडर एंड न्यूज़पेपर वेंडर्स। वी आर हियर टू जस्ट हेल्प देम इन दिस कोरोना पेंडेमिक एंड वी बिलीव दैट वी गॉड हैज़ गिवन अस टू हैंड्स, वन टू हेल्प अवर सेल्फ एंड वन टू हेल्प अदर्स। वेन वी जॉइन इट वी अवर प्रेयर्स आर एक्सेप्टेड। कृष्णा सेठ तुतार यांच्या जनसेवेच्या माध्यमातून आजचा हा प्रोग्राम अवेलेबल केलेला आहे। जनसेवा हेच आमचे उद्दिष्ट असून याच्या मागे कुठलाही स्वार्थ लपलेला नाही आहे, तर याच्या पुढेही अशी जनसेवा करत राहू हे आमचे ध्येय आहे। यहाँ मौजूद समाजसेवी संदीप अग्रवाल और अखबार विक्रेताओं के प्रतिनिधि अरुण सेगावकर ने भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण को बड़ी मदद बताते हुए युवा नेता सुनील सुतार के प्रयासों की सराहना की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। या सगळ्या कोरोना काळात नवी मुंबईतला वर्तमानपत्र विक्रेता खूप वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड देत आहेत। नवी मुंबई वर्तमानपत्राचे जे वितरक आहेत हे खरंच आज त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासारखी झालेली आहे। कृष्णा सुतार सेवा ट्रस्ट ही खरंच
गोरगरिबाचा मित्र असल्यासारख्या कृष्णाच्या रूपाने वर्तमानपत्र विक्रेत्यांच्या मदतीला आलेली आहे, याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.